नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे राष्ट्रीय आय के बारे में। राष्ट्रीय आय से अधिकतर क्वेश्चन आए हुए हैं मेंस में और ये प्री के लिए भी और व्यापम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो इस लिहाज से इसको देख लेते हैं। शुरू करते हैं राष्ट्रीय आय। तो सबसे पहले हम जानेंगे राष्ट्रीय आय की परिभाषा या राष्ट्रीय आय क्या है। कभी कभार तो सीधा क्वेश्चन पूछ देता है कि राष्ट्रीय आय क्या है, तो इसको पहले समझ लेते हैं, फिर इसके कुछ टर्म्स उनको समझेंगे, फिर इनके अवधारणाओं की बात करेंगे। अवधारणाओं में जैसे GDP, GNP, NDP, NNP इनके बारे में भी हम देखेंगे विस्तार से। जानते हैं राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय की परिभाषा क्या है। देखिए राष्ट्रीय आय, तो राष्ट्रीय आय से तात्पर्य है किसी देश में किसी एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य ही राष्ट्रीय आय कहलाता है। आई रिपीट, किसी देश में किसी एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य ही राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो देखिए राष्ट्रीय आय की परिभाषा आप नोट कर लेंगे, क्योंकि ये 30 नंबर में आया हुआ है मेंस में, और इसको जो GDP वगैरह है वो कई बार 60 नंबर में आता है, कई बार 60 शब्दों में आता है, कई बार 30 शब्दों में आता है, दोनों तरीके से मैं आपको बताऊंगा। अब हम बात करते हैं, देखिए राष्ट्रीय आय की जो अवधारणाएं हैं उनके बारे में। तो अवधारणाओं को समझने से पहले हम इनके कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं। कुछ शब्द जो होते हैं वो जनरली प्रयोग होते हैं इकोनॉमिक्स में, तो इन टर्म्स को हम समझ लेते हैं ताकि आपको आगे इसको समझने में परेशानी ना हो। जानते हैं पहला टर्म्स होता है माध्यमिक वस्तु। माध्यमिक वस्तु क्या होता है, तो जो माध्यमिक वस्तु है, माध्यमिक वस्तु कहने के मतलब सीधा है कि ये कच्चा माल है। तो किसी वस्तु के उत्पादन में जो कच्चे माल का प्रयोग होता है वो कहलाता है माध्यमिक वस्तु। जैसे कि कपड़े के उत्पादन में रुई, जैसे कि ब्रेड के उत्पादन में आटा, तो ये जो आटा है और जो रुई है वो दोनों माध्यमिक वस्तु में ली जाएंगे। अब जानते हैं उपभोग की वस्तुएं, उपभोग वस्तुएं या उपभोक्ता वस्तुएं, ये दो टर्म्स का जनरली प्रयोग होता है, तो इसको हम समझ लेते हैं उपभोग की वस्तुएं या उपभोक्ता वस्तुएं। तो देखिए उत्पादन क्रिया के बाद या उत्पादन क्रिया के दौरान कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो सीधा उपभोग के रूप में प्रयोग की जाती हैं, जैसे कि गेहूं, जैसे कि रुई। गेहूं कहने का मतलब जैसे आटे के रूप में प्रयोग हो गया, वो ब्रेड के रूप में ना हो करके तो आटा सीधे रूप में प्रयोग हो गया, तो वो उपभोग की वस्तुएं होती हैं। या यूं कहें कि कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो उपभोग क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती हैं, तो वो उपभोग की वस्तुएं कही जाएंगी। हम बात करते हैं, देखिए उपभोग की वस्तुओं में ये दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला, ऐसी वस्तुएं जो उपभोग क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती हैं। जो समाप्त हो जाती हैं इन वस्तुओं को हम गैर टिकाऊ वस्तु कहते हैं, गैर टिकाऊ वस्तु। और ऐसी वस्तुएं जो उपभोग क्रिया के दौरान समाप्त नहीं होती उन्हें हम टिकाऊ वस्तु कहते हैं, जैसे कि फ्रिज हो गया, जैसे कि TV हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं ये उपभोग क्रिया के दौरान निरंतर चलती रहती हैं और टिकाऊ वस्तुओं के अंदर इनके लिया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग पूंजीगत वस्तुओं के बारे में। पूंजीगत वस्तुएं, देखिए पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं, तो वे वस्तुएं जो उत्पादन क्रिया में सहायक होती हैं पूंजीगत वस्तुएं कहलाती हैं। उत्पादन क्रिया में सहायक होती हैं जैसे कि मशीन हो गया, तो भाई मशीन जो होता है किसी प्रोडक्ट को फाइनल प्रोडक्ट बनाने में या फाइनल गुड्स बनाने में मदद करती हैं, इसीलिए इसको पूंजीगत वस्तुएं कही जाती हैं। अब बात करते हैं हम लोग अंतिम वस्तुओं के बारे में। अंतिम वस्तुएं, ये जो टर्म्स हैं ये अक्सर प्रयोग होता है इकोनॉमिक्स में, इसको ध्यान रखना है। तो अंतिम वस्तुओं को मैं आपको एग्जांपल देके भी क्लियर कर देता हूँ। अभी शुरुआत में मैंने माध्यमिक वस्तु के बारे में बताया था। देखिए किसी वस्तु को अंतिम वस्तु के रूप में तैयार करने के लिए जो वस्तुएँ सहायता होती हैं, सहायक होती हैं, वो माध्यमिक वस्तु कहलाती हैं, कच्चा माल कहलाता है। जैसे हम बात करते हैं रुई के बारे में, देखिए रुई कब माध्यमिक वस्तु होंगी, जब इनसे कपड़ा तैयार किया जाता हो,
यानी कि कपड़ा जो है वो फाइनल गुड्स होगा, अंतिम वस्तु होगा, लेकिन रुई जो होगा वो माध्यमिक वस्तु होगा, क्योंकि रुई से कपड़ा बनाया जा रहा है। यदि रुई का प्रयोग सीधा गद्दे में किया जा रहा है तो रुई रुई के रूप में ही प्रयोग हो रहा है, अतः यह अंतिम वस्तु कहा जाएगा और इसकी गणना रुई के रूप में की जाएगी। अंतिम वस्तु कहने का मतलब ये है कि उसकी गणना उसी रूप में की जाती हो, कहना जैसे कि यहाँ पे कपड़े के रूप में गणना किया जा रहा है, रुई के रूप में नहीं किया जा रहा है, तो इसमें अंतिम वस्तु कौन सा हो गया, कपड़ा हो गया। यदि रुई की गणना रुई के रूप में ही की जा रही हो तो अंतिम वस्तु रुई कहलाएगी, लेकिन ऐसा तब होगा जब रुई का प्रयोग रुई के रूप में किया जाए, यानी कि रुई को गद्दे में भर के उसको उपभोग किया जा रहा हो तो वो अंतिम वस्तु होगा। यदि रुई से कपड़ा बनाया जा रहा हो तो कपड़ा अंतिम वस्तु होगा। और इसको ध्यान रखना है, यदि कपड़ा बना है तो पहले रुई के रूप में गणना करें फिर कपड़े के रूप में गणना करें, ऐसा नहीं होता, कपड़े के रूप में ही गणना होगा। तो ये कुछ टर्म्स हैं, यानी को आप समझ लीजिए। देखिए, माध्यमिक वस्तु मैंने बताया, उपभोग या उपभोक्ता की वस्तुएं बताया, पूंजीगत वस्तुएं और अंतिम वस्तु, ये चार टर्म्स हैं। ये आपको क्लियर हो जाएंगी तो आगे हम और समझ में आ जाएगा हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं के बारे में। अवधारणाएं, राष्ट्रीय आय के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो चार तरह के होते हैं। चार तरह का सेंस को हमको पढ़ना भी है। इसको मैं आपको 30 शब्दों में और 60 शब्दों में, 100 शब्दों में, 120 शब्दों में समझाऊंगा। जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा हिसाब से आप उसको लिख सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जीडीपी के बारे में, फिर देखेंगे जीएनपी के बारे में, फिर देखेंगे एनडीपी के बारे में, और लास्ट में एनएनपी के बारे में। तो इस तरह से हम चारों पर चर्चा करेंगे। चार अवधारणाएँ हैं, इसके चार कॉन्सेप्ट हैं। शुरू करते हैं जीडीपी से। जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं एक बार कि सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है। तो सकल घरेलू उत्पाद से आशय है किसी देश में एक निश्चित सीमा अवधि में निवासी और अनिवासी, ध्यान रखेंगे दोनों ना, द्वारा किसी देश में एक निश्चित सीमा अवधि में निवासी और अनिवासी दोनों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों का योग ही कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद। ध्यान रखिएगा इसमें निवासी और अनिवासी दोनों शामिल होता है। ये निवासी और जो अनिवासी हैं इसकी धारणा को मैं आपको वीडियो में बताऊंगा ताकि ये क्लियर हो जाए। देखिए सकल घरेलू उत्पाद में जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र होते हैं, विभिन्न क्षेत्र कहने के मतलब तीन क्षेत्र होते हैं अर्थव्यवस्था में, पहले वीडियो में मैंने इसको क्लियर किया था। पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो ये तीनों द्वारा जो उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं हैं वो इसमें शामिल होती हैं। अब अगर मैं संक्षेप में से बात करना चाहूँ जीडीपी क्या है, तो देखिए जीडीपी को और क्लियर कर लेते हैं। पहली बात ये कि इसमें सकल शब्द का प्रयोग किया गया है। सकल शब्द का प्रयोग किया गया है, कहने का मतलब ये है कि यह शुद्ध नहीं है। इसमें जो मूल्य ह्रास है, डिप्रिसिएशन है, वो अभी जुड़ा हुआ है। मूल्य ह्रास इसमें जुड़ा हुआ है, इस बात को हमें ध्यान देना है। दूसरी बात कि इसमें जो उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं हैं वो उपभोक्ता वस्तुएं एवं सेवाएं साथ में पूंजीगत वस्तुएं भी होती हैं। जो उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं हैं वो वस्तुएं एवं सेवाएं उपभोक्ता वस्तुएं एवं सेवाएं उनके साथ पूंजीगत वस्तुएं भी होती हैं। अब ये जो वस्तुएं हैं, ये जो उत्पादित वस्तुएं हैं, ये दो प्रकार के हो सकती हैं। पहला
टिकाऊ हो सकता है और दूसरा गैर टिकाऊ हो सकता है। दोनों बातें शामिल हैं इसमें, टिकाऊ भी हो सकता है और गैर टिकाऊ भी हो सकता है। और इन वस्तुओं का जो उत्पादन है वो सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से भी हो सकता है और दूसरा निजी क्षेत्र के माध्यम से भी हो सकता है या दोनों के द्वारा हो सकता है। तो हमने देखा सकल घरेलू उत्पाद को शॉर्टकट में देखा, उसके बाद हमने इसको संक्षेप में और मैंने क्लियर किया ताकि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। सकल कहने का मतलब ये होता है कि इसमें डिप्रिसिएशन शामिल है, मतलब ये ग्रॉस है, जैसे कि मैथ्स में टोटल होता है उसी तरह से ये इकोनॉमिक्स में ग्रॉस है, सकल है, मतलब ये नेट नहीं है, शुद्ध नहीं है, इसमें अभी जो मशीनों में लगने वाला घिसावट व्यय है वो जुड़ा हुआ है, तब जब इसको हटाएंगे तब ये निकलेगा नेट, यानी कि शुद्ध निकलेगा, अभी ये सकल है। उत्पादित वस्तु एवं सेवाएँ, इनमें क्या होता है कि जो उत्पादित वस्तु एवं सेवाएँ हैं वो उपभोक्ता वस्तुएँ एवं सेवाएँ साथ ही पूंजीगत वस्तुएँ भी होती हैं। जो वस्तुएँ होती हैं वो टिकाऊ और गैर टिकाऊ भी हो सकती हैं। चौथी बात कि सार्वजनिक, इसका जो उत्पादन है वस्तुओं का वो सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा भी या निजी क्षेत्र के द्वारा या दोनों के द्वारा की जा सकती हैं। तो देखिए जीडीपी को हम कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं, जीडीपी बराबर हम देख सकते हैं कि उपभोक्ता वस्तुएं एवं सेवाएं प्लस पूंजीगत वस्तुएं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है, जीडीपी का मतलब हो रहा है कि उपभोक्ता वस्तुएं एवं सेवाएं प्लस पूंजीगत वस्तुएं। अब हम बात करते हैं इसके विशेषताओं के बारे में, जीडीपी की विशेषताएं क्या क्या हैं, तो जानते हैं। देखिए पहला, इसमें घरेलू शब्द का प्रयोग किया गया है। घरेलू शब्द का मतलब ये होता है कि एक देश के आर्थिक सीमा के भीतर उत्पादित समस्त वस्तुएं एवं सेवाएं उनका मूल्य। तो ये घरेलू सीमा को मैं आगे और भी वीडियो में डिस्क्राइब करूंगा, अभी वीडियो लंबा ना हो करके मैं जीडीपी पर ही फोकस कर रहा हूँ। तो घरेलू शब्द कहने का मतलब ये होता है कि किसी देश के आर्थिक सीमा में उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं उन्हीं का मौद्रिक मूल्य जीडीपी में शामिल किया जाएगा। दूसरी बात ये है कि इसमें दोहरी गणना नहीं करनी होती, दोहरी गणना से बचना होता है। दोहरी गणना कहने का मतलब मैंने पहले ही समझाया आपको कि रुई और कपड़े के बारे में, अगर रुई का गणना रुई के रूप में हो रहा है तो वही अंतिम प्रोडक्ट है, लास्ट या फाइनल प्रोडक्ट। और अगर वो कपड़े के रूप में गणना हो रहा है तो कपड़ा फाइनल प्रोडक्ट होगा, लेकिन एक बार रुई के रूप में और एक बार कपड़े के रूप में गणना करेंगे तो आर्थिक जो राष्ट्रीय आय है हमारा उसका डेटा बहुत ज़्यादा आ जाएगा और वो सही नहीं होगा, क्योंकि एक ही चीज़ की दो दो बार गणना हो रही है इस वजह से। देखिए नेक्स्ट जो इसमें है कि जो पुरानी वस्तुएँ हैं उनका गणना नहीं किया जाता। पुरानी वस्तुओं का गणना नहीं किया जाता कहने का मतलब ये है, जैसे पिछले साल की वस्तुएं हैं उनका क्रय विक्रय हुआ तो उनको गणना नहीं किया जाता है, उनको क्लोजिंग स्टॉक में रखा जाता है या स्टॉक में रखा जाता है। इस तरह से चौथी बात देखिए कि ये जो है वो घरेलू सीमा के अंतर्गत है, कहने का मतलब ये है कि इसमें विदेशों से प्राप्त जो आय होता है वो शामिल नहीं होगा, क्योंकि इसमें पहले ही घरेलू सीमा के बारे में बोला गया है, तो घरेलू सीमा में जो आने वाले आर्थिक क्षेत्र हैं उन्हीं के द्वारा प्राप्त आयों को ही शामिल किया जाएगा, विदेशों से प्राप्त आय को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। पाँचवीं बात देखिए, स्व उपभोग के लिए उत्पादन किया गया है और खुद काबिज मकानों में जो आरोपित किराया है वो भी इसमें शामिल किया जाता है। इस टर्म को अच्छे से ध्यान रखेंगे कि स्व उपभोग के लिए उत्पादित वस्तुएं एवं खुद काबिज मकानों में आरोपित किराया भी इसमें शामिल किया जाता है। छठवीं बात आपको ध्यान देना है कि इसमें कभी भी हस्तांतरण भुगतान जो अवैधानिक आय या जो पूंजीगत लाभ होता है वो शामिल नहीं होता। पूंजीगत लाभ, हस्तांतरण भुगतान और अवैधानिक आय मतलब गलत तरीके से कमाए हुआ धन, इसमें शामिल नहीं होता क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता।
तो ये चीज़ें आपको जीडीपी को लिखते या पढ़ते समय ध्यान देना है। ये घरेलू सीमा होना चाहिए, दोहरी गणना से बचना चाहिए, पुरानी वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता, इसमें विदेशों से आय प्राप्तों को भी हटा दिया जाता है, स्व उपभोग और जो खुद का भी जो मकानों के लिए आरोपित किराया है वो इसमें शामिल किया जाता है, हस्तांतरण भुगतान, अवैधानिक आय और पूंजीगत लाभ को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग जीएनपी की तरफ। जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की ओर बढ़ते हैं, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की ओर देखते हैं। तो जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है यह संबंधित है सामान्य निवासियों से, सामान्य निवासियों से ही इसका संबंध है, इसको ध्यान रखेंगे। इसका संबंध घरेलू से नहीं है, इसका संबंध सामान्य निवासियों से है, इसको आप ध्यान रखेंगे। सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब क्या होता है पहले हम ये जान लेते हैं। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है वो किसी देश के सामान्य निवासियों द्वारा आर्थिक सीमा के भीतर और आर्थिक सीमा के बाहर सृजित आय ही है। ध्यान रखेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है किसी देश के सामान्य निवासियों द्वारा आर्थिक सीमा के भीतर और आर्थिक सीमा के बाहर जो सृजित आय होता है वही सकल राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल किया जाता है, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में शामिल किया जाएगा। अब इसमें और क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं उसको हम देखते हैं। देखिए पहला जो होता है निजी प्रेषण होता है, निजी प्रेषण। निजी प्रेषण क्या है? प्राइवेट रेमिटेंस जो होते हैं। निजी प्रेषण मतलब ऐसा है कि भारत के कई लोग विदेशों में काम कर रहे थे, अभी कोरोना आया तब लोग जानते ही हैं इस बारे में। तो भारत के कई भारत के जो लोग होते हैं वो बाहर काम कर रहे होते हैं और वहाँ से अपना पैसा भारत अपने परिवार को भेजते हैं। भारत में भी कई लोग काम करते होते हैं बाहर के, तो ये लोग भी पैसा बाहर भेजते हैं। तो इसमें जो उतार चढ़ाव होता है, जो एग्जैक्ट फिगर आता है उसको प्लस या माइनस करके उसमें जीएनपी में उसको प्लस या माइनस किया जाता है। उसी तरह से ब्याज अदायगी, ब्याज अदायगी। देखिए भारत ने भी कई देशों को लोन दिया है और भारत ने कई देशों से लोन लिया भी है, तो इसमें जो ब्याज अदायगी होता है, ब्याज ज़्यादा दिया जा रहा है या ब्याज हमें ज़्यादा मिल जा रहा है, तो उसमें जो भी उतार चढ़ाव होता है, जो मेन उसमें जो नेट प्रोडक्ट जो नेट हमें मिलता है उसको प्लस माइनस करके हम इसको निकालते हैं। तीसरा जो होता है आयात निर्यात, आयात निर्यात का अंतर को भी इसमें हमें जोड़ना एवं घटाना होता है। अगर आयात ज़्यादा है निर्यात से तो घटा देंगे, निर्यात ज़्यादा है ऐसे तो जोड़ देंगे। इसी तरह से अनुदान होता है। देखिए अनुदान, तो अनुदान यानी विदेशों से जो मिलता है अनुदान उसको इसमें ऐड किया जाता है। और भारत के संदर्भ में देखें तो ये माइनस में ही आता है, क्योंकि हमारे यहाँ निजी प्रेषण तो है लेकिन ज़्यादा ब्याज ज़्यादा अदायगी है, आयात ज़्यादा करते हैं निर्यात कम करते हैं, अनुदान तो भारत को मिलता ही नहीं है। तो इस तरह से देखें भारत के मामले में तो ये माइनस में ही आता है। अब एक बार हम जीएनपी को भी इनकी विशेषताओं को भी समझ लेते हैं जीएनपी की, तो ये आपको और क्लियर हो जाएगा। देखते हैं पहली विशेषता, इसमें भी सकल शब्द का प्रयोग किया गया है। देखिए ग्रॉस वर्ड का इसमें प्रयोग किया गया है। सकल शब्द का प्रयोग करने का मतलब ये है कि इसमें भी मशीन में लगने वाला घिसावट व्यय अभी शामिल है। इसको भी ध्यान रखेंगे कि इसमें भी लगने वाला घिसावट व्यय, मशीन में लगने वाला जो घिसावट व्यय है वो इसमें अभी शामिल है, डिप्रिसिएशन इसमें शामिल है। दूसरी बात, इसमें चालू वित्त वर्ष के ही प्रोडक्ट को शामिल किया जाता है, चालू वित्त वर्ष के
के ही प्रोडक्ट को शामिल किया जाता है या चालू वित्त वर्ष के जो उत्पादित जो वस्तुएं एवं सेवाएँ होती हैं उनके ही मूल्य को शामिल किया जाता है। पुरानी वस्तुओं से प्राप्त होने वाले पुरानी वस्तुओं के क्रय विक्रय से प्राप्त होने वाले राशि को इसमें शामिल नहीं किया जाता, पहली बात। दूसरी बात इसमें ध्यान रखेंगे कि इसमें जो कंपनी होते हैं, चाहे देश के हों चाहे बाहर के हों, कंपनी के शेयर यानी कि अंश और उनके जो बॉन्ड्स हैं उनका जो क्रय विक्रय होता है उसको शामिल नहीं किया जाता। तीसरी बात, इसमें जो बेरोजगारी भत्ता है वो भी शामिल नहीं होता, बेरोजगारी भत्ता वो शामिल नहीं होता। चौथी बात, वृद्धावस्था पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन जो होता है वो इसमें शामिल नहीं भी होता है। उसमें मैंने बताया कि सकल शब्द का प्रयोग किया गया है यानी कि इसमें घिसावट व्यय अभी शामिल है। दूसरी बात, इसमें चालू वित्त वर्ष के जो क्रय विक्रय होते हैं वस्तुओं सेवाओं को उसी को शामिल किया जाता है, यानी कि पुरानी वस्तुओं के जो क्रय विक्रय हैं उन प्राप्त राशि है उनको शामिल नहीं किया जाएगा। कंपनी के शेयर और बॉन्ड से के क्रय विक्रय से जो प्राप्त राशि होता है उसको भी इसमें शामिल नहीं किया जाता। बेरोजगारी भत्ता या वृद्धावस्था पेंशन इसमें शामिल नहीं होता है। इसी तरह से अगर हम तीसरी बात देखें, तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो निःशुल्क सेवाएँ होती हैं, निःशुल्क सेवाएँ कहने का मतलब ऐसा है कि निःशुल्क सेवाएँ जैसे कि एक टीचर है, एक शिक्षक है और अपने विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दे रहा है तो वो इसमें शामिल नहीं होगा। चौथी बात, चालू वित्त वर्ष में जो पूंजीगत वस्तुएं होती हैं, पूंजीगत वस्तुएं यदि उनके भाव में परिवर्तन हो रहा है, उनके मूल्य में उतार चढ़ाव हो रहा है तो फिर उसको तो यहाँ वह शामिल नहीं होगा। जैसे कि प्लाट है, जमीन है, मुद्रास्फीतिकरण क्या होता है कि उनके भाव बढ़ते रहते हैं घटते रहते हैं, तो जो परिवर्तन हो रहा है वो इसमें शामिल नहीं होगा। और पांचवी बात, कालाबाजारी, तो कालाबाजारी से जो प्राप्त आय है वो भी शामिल नहीं होता क्योंकि इसका रिकॉर्ड रखना बहुत मुश्किल है और इसमें जिन वस्तुओं का कालाबाजारी किया जा रहा है हमें ये पता नहीं होता कि उनका उत्पादन किस वर्ष हुआ है, पिछले वर्ष हुआ है या इस वर्ष हुआ है, तो इस वजह से वह इसमें शामिल नहीं होता। देखिए, मैंने GNP को भी आपको क्लियर तरीके से पढ़ाने की कोशिश की है। इसमें क्या है, इसमें कुछ विशेषताएं मैंने बताया कि सकल शब्द का प्रयोग किया गया है, मतलब ये कि इसमें घिसावट व्यय शामिल है। दूसरी बात, चालू वित्त वर्ष के ही सेवाएं वस्तुओं को इसमें शामिल किया जाता है, पिछले वर्ष या पुरानी वस्तुओं क्रय विक्रय से जो प्राप्त राशि होती है उसमें शामिल नहीं किया जाता। दूसरी बात, कंपनी के शेयर एंड बॉन्ड्स के क्रय विक्रय को शामिल नहीं किया जाता। तीसरी बात, इसमें बेरोजगारी भत्ता को शामिल नहीं किया जाता। और चौथी बात, जो वृद्धावस्था पेंशन होता है वो भी इसमें शामिल नहीं होता है। निःशुल्क सेवाएं भी इसमें शामिल नहीं होता, इसके लिए मैंने एग्जांपल भी दिया कि यदि शिक्षक आपको निःशुल्क पढ़ा रहे हैं तो उसकी जो सेवाएं जो उनको मिल रहा, जो उनको मौद्रिक मूल्य मिलेगा उसमें शामिल नहीं, क्योंकि निःशुल्क है तो मौद्रिक मूल्य मिलने का कोई सवाल ही नहीं है। चौथी बात, चालू वित्त वर्ष में यदि पूंजीगत वस्तुओं के भाव में परिवर्तन हो रहा है तो परिवर्तन शामिल नहीं होता है, और कालाबाजारी से जो प्राप्त आय होता है वो इसमें शामिल नहीं होता। तो ये जो दो अवधारणाएं हैं GDP और GNP की, ये दोनों आपको क्लियर हो गई होंगे, और इससे संबंधित यदि कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।